दिल्ली में आज सड़कों पर कुछ ट्रैफिक रहने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने बाबा हरदेव सिंह की जो अंतिम संस्कार है उसके मद्देनज़र अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। निरंकारी समाज के प्रमुख थे बाबा हरदेव, जिनकी मौत हो चुकी है कनाडा में, और अब उनकी अंतिम यात्रा में हज़ारों लोग पहुँच रहे हैं। उनके तकरीबन 1 करोड़ के करीब उनके फॉलोअर्स माने जाते हैं, उनको मानने वाले लोग। निरंकारी मिशन 27 देशों में काम करता है और पंजाब में सबसे ज़्यादा पहले एक्टिव हुआ करता था। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। बाबा हरदेव सिंह जो हैं वो कनाडा में एक सड़क हादसे में मारे गए हैं। इस हादसे में उनके एक दामाद, उनकी भी मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद से ही जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिरकार संत निरंकारी समाज जो है वो अब किसकी देखरेख में चलेगा, जो मिशन है उसको कौन संभालेगा। और पहले एक बात आई थी कि उनकी बेटी सुदीक्षा इस समाज की प्रमुख होंगी, और उसके बाद अब थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई कि बाबा हरदेव की जो पत्नी है वो अब इस मिशन का पूरा जिम्मेदारियां संभालेंगी। जी, और अभिषेक आप देख सकते हैं ये जो जनता यहाँ पर दिख रही है वो अंतिम विदाई देने आई है, और ये पूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस अंतिम यात्रा की तस्वीर है जो बुराड़ी से शुरू हुई है। 2 दिन तक रखा गया था उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन अब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। आज उनका अंतिम संस्कार होगा निगमबोध घाट पर। बुराड़ी से ये अंतिम यात्रा निकली है और जो तस्वीरें हैं वो इस अंतिम यात्रा की हैं। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, और हम परिमल की रिपोर्ट देखते हैं, अंतिम यात्रा पर उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह की अंतिम यात्रा निकल पड़ी है बुराड़ी ग्राउंड से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल शव को एक ट्रक पर रखा गया है। साथ में दामाद जो अवनीत सेतिया हैं उनका भी शव पीछे पीछे एक ट्रक पे आ रहा है, और ये वो भक्तों की सुनामी है, अनुयायियों की सुनामी है जो आपको नजर आएगी। दूर दूर तक अगर नजर दौड़ाएं तो सिर्फ भक्त ही भक्त आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और पूरा जो रोड है ये फिलहाल पटा हुआ है, ये जो सड़क है वो निरंकारी कॉलोनी ढाका होते हुए, किंग्सवे कैंप होते हुए, विश्वविद्यालय होते हुए, और इसी रास्ते से निगमबोध घाट तक शव को ले जाएंगे। इस बीच कल देर रात इस बात की घोषणा हो गई कि निरंकारी मिशन की अगली उत्तराधिकारी बाबा हरदेव सिंह की पत्नी सविंद्र कौर होंगी, और कल से ये कयास लग रहा था कि उनकी छोटी बेटी को हो सकता है एक उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम फिलहाल लग गया है। और ये जनसैलाब वो जनसैलाब है जो आमतौर पर इनके समागम में उमड़ता था, जो इनके भक्त हैं, और ये इनके साथ पैदल चलते हुए निगमबोध घाट तक जाएंगे जहां 12 बजे अंतिम संस्कार होना है। और दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहें तो ये जो गाड़ी है उस पे अवनीत सेतिया हैं जो इनके छोटे दामाद हैं, उनकी भी 13 मई को कनाडा में कार हादसे में निधन हो गया था। इनका और बाबा हरदेव सिंह का शव फिलहाल जो है वो निगमबोध घाट के लिए चल पड़ा है, और भीड़ अगर आपको कैमरे की नज़र से अगर दिखाना चाहें तो आपको नज़र आएगा कि किस कदर जो जनसैलाब है, जो सड़क है दोनों तरफ की, वो बिल्कुल भक्तों से पटा हुआ है, अनुयायियों से पटा हुआ है। और अगर इसके बारे में कहना चाहें निरंकारी मिशन के बारे में, तो 1929 में निरंकारी मिशन की स्थापना हुई। 5वें प्रमुख के तौर पे सविंद्र कौर इसकी उत्तराधिकारी होंगी और पहली महिला उत्तराधिकारी होंगी। इससे पहले 4 और उत्तराधिकारी हो चुके हैं, जिसमें 3 बाबा हरदेव सिंह के परिवार से थे और बूटा सिंह जो है वो अलग थे, लेकिन अब तमाम अटकलों पे विराम लग गया है। एक अंतिम संस्कार की बात हो रही है और शाम 7 बजे एक श्रद्धांजलि सभा यहीं बुराड़ी ग्राउंड पे आयोजित की जाएगी, जिसमें लोग जो हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं 3 से 7 बजे के बीच में। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो जनसैलाब वो जनसैलाब है जो उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो दूर दराज से इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए फिलहाल पहुंचे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और परिमल कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त निगमबोध घाट पर पहुंच चुके हैं। परिमल, वहां पर आप पहुंच चुके हैं, अंतिम यात्रा भी वहां पहुंचने ही वाली होगी। जब इतना जन सैलाब होता है तो थोड़ा वक्त लगता है, और अंतिम दर्शन भी कई लोग कर रहे होंगे इसी दौरान, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जिम्मेदारी जो है इस समाज की वो कौन संभाल रहा है, उनकी पत्नी संभाल रही है। जी
निश्चित तौर पे कादम्बरी है, उनकी पत्नी, इसकी देर रात घोषणा हुई है और करीब 11:30-12 बजे के आसपास इसकी घोषणा की गई। बाकायदा जो इनकी प्रक्रिया होती है, जो स्कार्फ होता है जो दिया जाता है, फूल माला दिया जाता है, वो चीज़ें औपचारिकता पूरी कर ली गई है, इसकी घोषणा भी देर रात कर दी गई। लेकिन यहाँ पर निगम बोध घाट पर जिस तरीके का जनसैलाब है उसको लेकर, मैनेजमेंट करने को लेकर, आप देख सकते हैं कि जो सेवादार हैं, जो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर हैं, पुलिस बल की मौजूदगी है, ट्रैफिक पुलिस की नज़र सड़कों पर है, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ पर निगम बोध घाट जिस जगह पर है वो रिंग रोड पर है और ये रास्ता सीधे आपको बुराड़ी से विश्वविद्यालय वाले रास्ते को जोड़ता है। और ये अभी जो ये लोग निकले हैं पैदल यात्रा करते हुए, वो अंदर अंदर आएंगे, क्योंकि निरंकारी कॉलोनी अंदर में है, किंग्सवे कैंप है, ढक्का है, विश्वविद्यालय है, विधानसभा है, उधर से होते हुए आएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे जाकर निगम बोध घाट यानी कश्मीरी गेट से आगे जाकर ये लोग मिल जाएंगे यहाँ पर रिंग रोड पे, और तब यहाँ पर ये भक्तों पहुँचने शुरू होंगे। सबसे अहम बात कि जो भक्त यहाँ पर पहुँच पाए हैं वो दिल्ली और NCR के भक्त, बुराड़ी तक उनको आने की अनुमति नहीं थी, वो सीधे यहाँ पर निगम बोध घाट तक आ सकते थे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती। इसी के मद्देनज़र एक निरंकारी मिशन की तरफ से उनको 3 दिन पहले ही संदेश दिया गया था कि जो लोग दिल्ली और NCR से हैं वो लोग सीधे निगम बोध घाट के आसपास जुड़े ताकि दिक्कत ना आए यहाँ पर। लेकिन तमाम इंतजाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए पुलिस भी मुस्तैद है, जो सेवादार जुड़े हुए निरंकारी मिशन से वो भी मुस्तैद हैं। जी बिल्कुल, और ये पूरा जो अगर परिमला अगर हमें बता सके कि उनकी पहली बेटी को इस समाज का प्रमुख बनाने की बात चल रही थी, फिर बात मामला उनकी पत्नी पर आ गया, अगर हमें बता सके हमारे दर्शकों को कि आखिरकार क्यों जरूरी होता है बाबा हरदेव के तुरंत जाने के बाद मिशन का प्रमुख किसी और को तुरंत बनाना, क्या वजह होती है? देखिए, कोई ना कोई गद्दी जरूर संभालेगा, कोई ना कोई प्रमुख की भूमिका में जरूर रहेगा। यह कयास जरूर लग रहा था कि सुदीक्षा जो छोटी बेटी है जिनके पति की भी मौत हुई कनाडा में इसी कार हादसे में, उनको बहुत मुमकिन है, एक खबर आनी शुरू हो गई थी कल कि वो उत्तराधिकारी के तौर पर पेश की जा सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों पर विराम तब लग गया अभिषेक जब इनकी एक मान्यता है कि बाबा किसी न किसी के शरीर पे आते हैं और वो जो आदेश देते हैं, जो इनकी मान्यता है उस आदेश के बाद उसको पालन करते हुए उनको माना जाता है। तो एक आदेश के तौर पे देर रात यही फैसला लिया गया कि उनकी पत्नी सविंदर कौर ही उत्तराधिकारी होंगी और उसकी घोषणा बाकायदा कर दी गई। ये मान्यता की बात है, निरंकारी मिशन इस मान्यता को मानता है और उनके जरिए जो सुबह से लगातार मेरी बात हो रही थी, यही मैसेज और यही संदेश देने की उन्होंने कोशिश की कि ये कोई फैसला कमेटी के द्वारा नहीं होता है, ये फैसला कोई उनके भक्तों के द्वारा नहीं होता है, ये फैसला कोई इनकी प्रक्रिया सीधे तौर पे उस चीज़ पे निर्भर करती है कि जो आदेश ऊपर से आता है उसके बाद, ऊपर से कहने का मतलब कि बाबा हरदेव सिंह की तरफ से जो संदेश इन लोगों को मिलता होगा, जो इनकी मान्यता है, उसके बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया कि सविंदर कौर जो इनकी पत्नी है वही अगली उत्तराधिकारी होंगी। और अब तक की महिला एकमात्र उत्तराधिकारी, 5 उत्तराधिकारी, ये 5वीं उत्तराधिकारी है और महिला एकमात्र उत्तराधिकारी यही है इनकी पत्नी के तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। मान्यता है बिल्कुल, ये उनकी समाज की मान्यता है जो उनको मानते हैं। जी जी कादम्बिनी, आप इस बीच आपको ये भी बता दें कि कई इलाकों में एडवाइजरी पुलिस ने जारी की है कि कहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहेगा इस अंतिम यात्रा के कारण, और उन इलाकों से बचने की पुलिस ने सलाह दी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ है। तो पूरा जो नॉर्थ दिल्ली का जो इलाका है, बुराड़ी, किंग्सवे कैंप, ये सारी जगहें जो है, आउटर रिंग रोड, इन रास्तों से दिल्ली पुलिस ने बचने की बात कही है। संत नगर, बुराड़ी, इन सब इलाकों से होकर निगम बोध घाट पहुंचेगी इनकी अंतिम यात्रा। IP कॉलेज भी है और चंदगिरा मखाड़ा भी है, यानी कि वो पूरा इलाका जो आप बुराड़ी से लेकर निगमबोध घाट तक जो कवर होता है उसमें, वहाँ से पुलिस ने दूर रहने के लिए फिलहाल कहा है, लोगों को बचने के लिए कहा है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गूगल मैप के ज़रिए आप देख रहे हैं कि कहाँ पर ये जो लाल लाइनें हैं उसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक है या फिर ट्रैफिक जाम है, और यही ये मैप फिलहाल गूगल मैप बता रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति फिलहाल कैसी है।